तूने टिकट ना लीनू तो मैं क्या करूं, तूने टिकट ना लीनू तो मैं क्या करूं, मैंने पाऊं गाइस, कुछ है ये हमारे यूट्यूबर है, ये लड़की हमारी कुछ यूट्यूबर है। है। ये हमारी से हाय। हाय। ये हमारी नानी आई ये है, हमारी बुढ़िया है। बुढ़िया समझन भैया बा ओए ठीक रहा पहला ठीक छ। तो जाने लगी हूं मैं पेड़ पे, नदी पास में है। अब मेरा टाइम लगेगा तो नानी को मैं देख भाई हूं। तो अभी मैं चली गई हूं बीचों बीच पेड़ पे और ना तो मेरी नानी जाने लग गई है गाड़ी में। नानी बाय बाय करो। बाय बाय। तो नानी जा रही है अपनी। दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम से। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निर्मला नेगी, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए व्लॉग में। तो अभी का व्यू दिखा देती हूँ। अभी दिन ढलने वाले हैं और मेरी नानी जी आई है दिल्ली से, और आज मेरी नानी जी हमारे यहाँ आई है। तो ये मिली ना मेरा आदत है उबट के जाना। कौन जानू तल्ली। अच्छा चलो। तो नानी के साथ अभी जा रहे हैं हम काफल तोड़ने। एक डिब्बा लेके गए हैं। नानी तो पहले से तोड़ रही थी लेकिन नानी पेड़ में नहीं जा पाती है, तो इसलिए आज बड़ा भाई भी घर आया है। नानी भी नानी बोल रही है चंपात में 200 रुपया किलो है बिल्कुल सूखे सूखे। तो नानी आज चंपात में सुबह सुबह काबुल के रेट पता करके आई, सूखे काबुल 200 रुपए किलो। तो मैंने बोला यहाँ तो निर्मला इतना हो रहे हैं बढ़िया बढ़िया, तुम्हारे यहाँ तो कोई भी टिपे तो कितने पैसे कमा जाते हैं यहाँ तो। वही अगर कोई रोजगार अगर कोई तोड़ने वाला होता इसी से कितना रोजगार मिल जाता। रोजगार मिल जाता, ये काम में मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ रोजगार मिल जाता। अगर 10 किलो ले जाते पूरे 2000 रुपए हो जाते। 2000 रुपए। काफुल ये पहाड़ों का फल है जो मतलब अपने आप ये जंगलों में होते है। छे तो सही काफुल आप काफुल तो छिन लेकिन तुम अंजा न होना चाहिए यही है तो अचकन छ। तो अभी इधर को तक हम गए थे लेकिन यहाँ को काफल के पेड़ बड़े बड़े हैं, नानी इनमें जा नहीं पाएगी। नानी छोटे छोटे पेड़ों में तोड़ेगी। और दादा भी आया है, दादा आज पूरे 1.5 साल बाद आया है। नानी हमारे घर भी, नानी हमारे घर 1.5 साल बाद नानी भी आ रही है। तो नानी इस बार दिल्ली 1.5 महीने तक रही, मथुरा वृंदावन और हर जगह मथुरा वृंदावन। नानी तो पूरी घूम घाम के आई है मंदिरों के दर्शन करके, और आगरा अपनी बेटी के यहाँ, और सब जगह दिल्ली मामूलों के यहाँ आके आज हमारी बेटी है। तो यहाँ की बेटी के घर भी पहुँच गई। अब यहाँ की बेटी के घर भी पहुँच गई नानी जी। यहाँ से फिर थोड़ा काफल वगैरह तोड़ के अब नानी को अपने घर की याद आ रही है। नानी जी वहाँ को कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा मतलब। तो अब चलते हैं हम काफल तोड़ने, फिर दिखाते हैं क्योंकि लेट हो रही है। तो नानी तोड़ने लग गई है काफल। तो नानी ने फेड़ बना रखी है जिसे हम कुरी बोलते हैं, कुरी। तो ऐसे टूकर के ये देखो धोती से बना रखी है इन्होंने। बाल्टी में डाल रही हूँ अब इसके बाद यहाँ से तोड़ने के बाद बाल्टी में डालेगी ये काफल। तो दोस्तों ये बन चुकी है मेरी फेट। अब मैं भी जाती हूँ पेड़ पे और ऐसे बात के मैंने बना लिया। अब तो जाने लग गई हूँ मैं पेड़ पे। नदी पास में है। अब मेरा टाइम लगेगा तो नानी को मैं पंचेश्वर धाम कह रही है, तो मैं अब समय तो नहीं है, समय नहीं है, नहीं तो मैं नानी को पंचेश्वर धाम लेके जाती। एक बार गई थी वहाँ, अब इस बार जाएंगे मौका मिले तो कभी। तो अभी मैं चली गई हूँ बीचों बीच पेड़ पे और नानी इसी पेड़ में नीचे से तोड़ रही है देखो ऐसे। हाँ ना ना मैं अपने अलग कर रही हूँ। मीचो मी काफल काफल लगे अब न्यारा है रहने पहले मैं समझ नहीं तुमरी। अरे ठीक छो दिल्ली बचे तो बयाली पूजू
आज बुझा को बेल लग गया बाटा आज चंपात बुझा फिर मिलकर यहाँ मंजुला भेजती पढ़ा ना ठीक है भाई कोई टाइम बैठे हो ना तुम हो मैं डेढ़ महीने बैठे आई हूँ वहाँ वृंदावन मथुरा गया यो ला कुनियो यो ला आया ही ना यहाँ पूर्व यहाँ पंचेश्वर बैठे आओ हूँ सही कुछ है ये हमारे यूट्यूबर है ये लड़की हमारी यूट्यूबर कुछ है ये हमारी से हाय हाय ये हमारी नानी आई है ये हमारी बुढ़िया है बुढ़िया से हाय अच्छी तरह भेजी डाल नानी आई है इसको काबुल मैं अभी उतर रही हूँ पेड़ से तो अभी इतने हो रखे हमारे देखो ये है बहुत खुश है नानी थोड़ा छांट रही है इनमें से छटाई कर रही है तो बाल ऐसे हो गए हैं बिल्कुल मेरे जैसे एंटीना की तरह खड़े हो रहे हैं क्योंकि पेड़ में बाल वो हो जाता है तो अब चली है परम धाम को तूने टिकट ना ली नो तो मैं क्या करूं मैंने बढ़िया बढ़िया गीता लगाया मैंने भागवत लगाया तूने ज्ञानी ना ली नो तो मैं क्या करूं मेरी गाड़ी परम धाम को जा रही मेरी गाड़ी स्वयं धाम को जा रही तूने टिकट न लीनू तो मैं क्या करूं तूने टिकट न लीनू तो मैं क्या करूं मैंने पाँव दिए हैं बड़ी अच्छी अच्छी मैंने पाँव दिए हैं बड़ी अच्छी अच्छी तूने तीर्थ न घूमा तो मैं क्या करूं तूने तीर्थ न घूमा तो मैं क्या करूं मेरी गाड़ी स्वयं धाम को जा रही तूने टिकट न लिया तो मैं क्या करूं मैंने आंखें दी है अच्छी अच्छी मैंने आंखें दी है अच्छी अच्छी तूने तीर्थ ना फेरा तो मैं क्या करूं तूने तीर्थ ना फेरा तो मैं क्या करूं मेरी गाड़ी स्वयं धाम को जा रही मेरी गाड़ी स्वयं धाम को जा रही तूने टिकट ना लिया तो मैं क्या करूं तो यहाँ पर मैं रील बना रही थी लेकिन रील कहाँ नानी को तो इतने अच्छे अच्छे भजन कीर्तन आ रहे हैं नानी ये आजकल फोनों के गानों से अच्छे नानी के गाने आपको अच्छे लगे होंगे नानी के भजन वगैरह तो हम काफल तोड़ रहे थे काफल हाथों दिया है अच्छी तो देखो इस लाइन के पीछे कोई ना कोई लाइन मतलब अच्छी जुड़ी है भगवान के धाम के पीछे भगवान के मंदिरों के पीछे भक्ति के पीछे मैंने हाथों दी है बड़ी अच्छी अच्छी तूने दानों न की ना तो मैं क्या करूं मेरी गाड़ी स्वयं धाम को जा रही तूने टिकट न लिया तो मैं क्या करूं तूने टिकट न लीनो तो मैं क्या करूं देखो मैं घर एक रहस्य जुड़ा है इनके गाऊंगी मैं तो घर पर सत्संग लगाऊंगी मैं तो तीर्थ में जाऊंगी घर पर सत्संग लगाऊंगी मैं तो तीर्थ में जाऊंगी गंगा बुलाऊंगी मैं यमुना बुलाऊंगी गंगा बुलाऊंगी मैं यमुना बुलाऊंगी गोदा में घर पर लगाऊंगी मैं तो तीर्थ में जाऊंगी भजन में एक रहस्य जुड़ा हुआ है भगवान के भक्ति भाव के पीछे और भैया बुला रहा है बड़ा भाई हाँ काफल तोड़ रही तू हम उपचेट न बोल तो हमारे साथ मत बोल नानी और मेरी एक जोड़ी बनी है दादा अलग है तो अब हम इस वाले पेड़ में आ गए हैं यहाँ पर तोड़ते हैं काफल नानी के भजन गिरता सुनते सुनते हर भजनों में एक एक रहस्य जुड़ा है तो फिर से जाते हैं ये फेड़ भगवान के भजन है भगवान के भजन है सारे और ये फेड़ बना दी है और इस वाले पेड़ पे जा रही हूँ और अभी इसमें थोड़ा नानी भी जा रही है नीचे नीचे ऊपर नहीं जा पाएगी नानी और मैं जाऊँगी ऊपर टॉप में और तो हमारे ये काफल हो गए हैं और दो दो थाली में मैं थोड़ी छटाई कर रही है नानी जी तो आज दूसरा दिन हो गया है हाँ ना ना पराठे तो आज दूसरे दिन हो गया है नानी आज अपने घर को जाने की तैयारी में है तो काफल वगैरह तैयार करते हैं
चिपटे वाली कोई ना भैया पर कुंड ने ना घर में आदमी। तो मैंने नहा धो लिया है, नहा धो के नानी तैयार हो चुकी है और नानी और दादा तो अभी सोया है। वो जब भी छुट्टी आता है वो जब लेट उठता है, अभी तक आठ बज चुका है, वो अभी तक उठा नहीं है। मम्मी तैयार हो गया दूध पहुंचाने के लिए और मम्मी की तबीयत हो रही है ख़राब कल से, रात भर कल उल्टी दस्त हो रहे थे मम्मी को, नानी और मैं तो सोए ही नहीं मम्मी के कारण। तो इस डिब्बे में हो गए हैं काफल और काफल। और अभी भैया का फोन आया है नानी के लिए। दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ दूध पहुँचाने की और नानी जी चले गई है, और क्योंकि नानी जी को आज अपने गांव जाना है नैनीहाल। हमारे यहाँ से कम 80 किलोमीटर, 80 से ऊपर कोई हमारा नैनीहाल है। तो नानी वहाँ चंपा से बैठेगी अपनी यहाँ के लिए, तामली हमारा नैनीहाल है। नानी चले गई है सुबह मम्मी के साथ ऊपर, और मम्मी की कल तबीयत ख़राब हो रखी थी तो मैंने सोचा कि मैं दूध भी पहुंचा के आऊँ और ऊपर तक नानी को गाड़ी में बिठा के आऊँ। फिर ना लागना तो दूध ये गाड़ी में ना जाना कौन वो चंपा के कारण बैठा दिए हूं ठीक है। हां वरना मीना लाग दिए हूं। मेरी नानी जाने लगी है गाड़ी में। नानी बाय बाय करो। बाय बाय। तो नानी जा रही है अपनी, तो नानी इस गाड़ी में जा रही है आज। जी जाने लगी है इस गाड़ी में, और यहाँ से ये भैया भाई पवनदा बिठा देंगे दूसरी गाड़ी में, और वहाँ से भैया ले जाएगा। हाँ यहीं बटे ले दी को। आ चुकी हूँ झड़पत्तिया में, स्कूटी में दूध रखा है और एक जर्किन ये है, तो दूध लेके आ गई हूँ। लेकिन स्कूटी में रखने में और निकालने में आफत आती है, और वो वहाँ पर दूध के कैन है उनमें मैं पलटाऊँगी दूध को। और अभी का व्यू जो दिखा देते तो झड़पत्तिया का व्यू इस प्रकार से हो रखा है। यहाँ पर मंदिर वगैरह है, तो मंदिर वगैरह है तो ध्वज वगैरह देखने को मिल सकते हैं आपको। इस प्रकार धनु को थोड़ा पीछे करना है क्योंकि इधर मैंने लॉक तो लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर आएगी दूध की गाड़ी तो फिर आफत आएगी मेरी। इसको पलटाने में बहुत ज्यादा आफत आती है क्योंकि दूध निकलेगा जल्दी रहता है। दोस्तों अभी मैं ड्रम वगैरह धो के भी आ गई हूँ, मेरे को आ रही है बहुत ज़्यादा नींद क्योंकि कल मैं 12 बजे वीडियो एडिट करके जैसे ही सो रही थी, ऐसा हो गया वहाँ पर कि 12:30 बजे से मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, उल्टी दस्त, फिर मम्मी के साथ बाहर गई, मतलब ऐसे ही मम्मी के दवाई दी, नींबू पानी वगैरह दिया। 1 बजे उठी, फिर 1:30 बजे उठी, 2 बजे उठी, 2:30 बजे उठी, 3 बजे जाके सोई हूँ क्योंकि कल मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अभी स्कूल में भी जाना है तो आज मैं नानी को छोड़ने भी नहीं जा सकी। अब धन्नू को यहीं छोड़ के मैं जा रही हूँ घर को, फिर मिलते हैं।